लेकिन शिवम त्यागी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये वीडियो आपने पूरा देखा? नहीं नहीं, मैं तो अमीश जी इसको बार बार देखना चाहता हूँ। मुझे ये बता दीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तो ये राहुल गांधी ने दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज क्या कर रहे हैं भाई आप? ये इस तरीके के झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर टीवी पर? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड माइनॉरिटीज को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, ये हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हिंदुओं को घेर कर मारा जा रहा है। और आपके नेता कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को, अमीश जी इनको एक बार वीडियो और दिखाइए, आप जरा एक बार इनको वीडियो और दिखाइए। नहीं वीडियो नहीं, नहीं, एक सेकंड, आप एक मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मैं वीडियो को दोबारा प्ले कर रहा हूं। क्यों निवेदन मानू अमीश जी, वीडियो दिखाइए। नहीं नहीं, पर नहीं नहीं, ये देखिए ना, देखिए देश की 135 साल पुरानी पार्टी का नेता कह रहा है कि माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है वहां पर खड़े होकर, और जब वीडियो में देख रहे हैं सच्चाई बिल्कुल अलग निकल कर आ रही है। वीडियो में एक माँ अपने बेटे को कह रही है कि सारे हिंदू है मार दो इनको, वीडियो दोबारा प्ले कर। संजय सिंह कहकर चले गए कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, मान लिया अंसार बीजेपी का गुंडा है, मान लिया मैंने, तो फिर घर तो उसी का तोड़ा जा रहा है। दोबारा प्ले कराओ वीडियो, में दोबारा प्ले कराओ व्यूअर्स। दिल्ली पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है, मैं आपको वीडियो में बता दूं, वीडियो में एक बच्चा अपनी मां से पूछ रहा है, ये जागीरपुरी हिंसा का सबसे नया वीडियो है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को जारी किया है, पीछे से लोगों पे पथराव किया जा रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और बच्चा कह रहा है पत्थर क्यों बरस रहे हैं, अरे अम्मी को क्यों कर रहे रोज इसमें सारे हिंदू है, और वो पूछ रहा है मम्मा हम रोज ऐसा क्यों कर रहे हैं, रोज ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमीश जी इस देश की सारी पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों से पूछिए जो 3 दिन से आंसू बहा रहे हैं, ये जितने मुल्ला मौलवी जितने ये विपक्ष वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं इस पे, हिंदुओं को घेर कर मारा जा रहा है। ये देखिए ना वीडियो में, ये देखिए वो पत्थर फेंक रहे हैं, मारा जा रहा है, और ये 3 दिन से बैठकर यहाँ पर लिबरल लॉबी ड्रामा कर रही है, और ये लगातार कह रहे हैं इस बात को कि हिंदुओं को आपने, आपको कहीं गालियों वाला वीडियो मिला क्या, आपको कहीं गालियों वाला वीडियो मिला क्या? देखिए देखिए कई सारे वीडियो आए हैं गाली वाला इस इंसिडेंट से रिलेटेड, मुझे लगता है कि आपने कांग्रेस से सवाल पूछा सुरेंद्र राजपूत को, मुझे तो इस ट्वीटर पर इस ट्वीट का जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि मारा जा रहा है। देखिए शिवम जी आपको भी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, बिल्कुल पेशेंस रख रहा हूं, पिछले 4 दिन से पेशेंस ही तो रख रहे हैं, हिंदू गाली दे रहे हैं, हिंदुओं ने झंडा लहरा दिया, हिंदुओं ने पेशेंस तो रखनी पड़ेगी ना शिवम, इतना पेशेंस। अच्छा ठीक है, एक सेकंड शांति से बैठिए, पूछे ना आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये इनके अध्यक्ष शिवम 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 एक सेकंड मेरा निवेदन मानिए। ओके अब सुरेंद्र राजपूत ये अमीश भाई जो अभी ये हिंदुओं के जो ठेकेदार बने हुए हैं, इनसे ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी पुलिस, और उसके बाद भी हिंदू मारे जा रहे हैं तो इससे कायर, डरपोक और निकम्मी निर्लज्ज और बेशरम सरकार कौन सी होगी? इधर उधर की बात मत करिए, अगर ये लोग इनके रहते भी अगर मारे जा रहे हैं तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, और आज जो है इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे राज्य में तो असुरक्षित नहीं था हिंदू, इनके एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है, ये एक सवाल है, सभी पात्र इसका जवाब देंगे, बेशक शादाब चौहान भी जुड़ गए हैं नेता।